ऐश्वर्या की शहनाज और फन ने खा 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ऐश्वर्या ताल मोहब्बतें, धूम दो, गुरु और रोबोट जैसी दमदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नशीली आंखों और बेपनाह खूबसूरती से सराबोर ऐश्वर्या राय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। शादी से पहले ऐश्वर्या राय का नाम सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के साथ जुड़ चुका है। 2000 में आई ढाई अक्षर प्रेम के में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने पहली बार साथ काम किया था। इसके बाद दोनों फिल्म उम्र अफजान में भी नजर आए और सेट पर इनकी नजदीकियां बढ़ी। गुरुवार के सेट पर अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। दोनों की शादी 20 अप्रैल 2007 को प्रतीक्षा में हुई। शादी का रिसेप्शन मुंबई के ताज होटल में हुआ था। शादी के वक्त ऐश्वर्या राय 33 साल की थीं, जबकि अभिषेक की उम्र 31 साल थी। 16 नवंबर 2011 को अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का जन्म हुआ। 2010 में गुजारिश के बाद बेटी के जन्म और उनकी परवरिश के लिए ऐश्वर्या ने 5 साल का ब्रेक लिया। उन्होंने जज्बा 2015 से फिल्मों में कमबैक किया। ऐश्वर्या और अभिषेक ने 7 साल में ढाई अक्षर प्रेम के, 2000 कॉमा कुछ ना कहो, 2003 बंटी और बबली, 2005 उम्र अफजान, 2005 धूम दो, 2006 और गुरुवार 2007 6 फिल्मों में काम किया। पिछले साल ऐश्वर्या की दो फिल्म सरबजीत और दिल है मुश्किल रिलीज हुई। पहली फिल्म में वे डी ग्लैम लुक में दिखी, जबकि दूसरी में वे जबरदस्त ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। ऐश्वर्या राय बॉबी बेदी की भतीजी पूजा बेदी की शहनाज की बायोपिक में ब्यूटीशियन शहनाज हुसैन के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जाने माने पटकथा लेखक कमलेश पांडे ने तैयार की है। उनका कहना है कि शहनाज के किरदार के लिए ऐश्वर्या एकदम परफेक्ट है। ऐश्वर्या इन दिनों राजकुमार राव के साथ फन ने खां की शूटिंग कर रही है।